नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? बहुत महिलाओं को सिजेरियन के नाम से डर लग जाता है। उनके मन में पता नहीं क्या क्या डाउट्स रहते हैं सिजेरियन को लेके। पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ उन्होंने सुनी हुई है कि वो अपने बेबी का रिस्क लेके भी नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसी मिथकियाँ सिजेरियन को लेके कि वो मैं सारी मिथकियाँ दूर करना चाहती हूँ। तो मैं डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और 16 सालों में मैंने 50,000 से भी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी की हुई है। तो आज मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिजेरियन के कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, उसमें उससे लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या क्या बताना चाहते हैं कि ये क्या बड़ा ऑपरेशन है, क्या कुछ महिलाएँ आती है कि घर में मेरा संभालने को कोई नहीं है, मैं कैसे काम करूंगी, बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा तो, और इसमें जो कमर पे सुई लगती है इसकी वजह से मुझे हमेशा कमर में दर्द रहेगा, एक बार सिजेरियन हुआ तो क्या दोबारा भी सिजेरियन होगा, सिजेरियन हुआ तो मेरे बच्चे को मैं तुरंत दूध नहीं पिला सकती हूँ, डॉक्टर सिर्फ सिजेरियन पैसों के लिए करते हैं। तो ये सारे जो डाउट्स हैं सिजेरियन को लेके मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। सो बने रहिए मेरे वीडियो के आखिरी तक। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहला जो डाउट है कि क्या ये बड़ा ऑपरेशन है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल बड़ा ऑपरेशन नहीं है, नॉर्मल सी छोटी सी सर्जरी है। इसमें 30 मिनट्स का ही ऑपरेशन रहता है, स्किन टू स्किन, यानी बेबी को बाहर निकालने से पूरा एब्डोमेन फिर से क्लोज करने तक 30 मिनट्स में हो जाता है। ब्लड लॉस भी साधारण से जो नॉर्मल डिलीवरी में जितना ब्लड लॉस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना ही ब्लड लॉस होता है, कोई ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है। और हाँ, कोई कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं तो ब्लड लॉस डेफिनेटली होता है, पर इसमें कम से कम आजकल स्कार भी जो होता है, जो चीरा लगता है, वो भी बहुत छोटा सा लगता है और टाके भी अंदर से लेते हैं। किसी को कोई देखेगा 2 महीने के बाद आपके पेट को तो बता भी नहीं पाएगा कि कहाँ पे इंसिजन लिया हुआ है, कहाँ पे टाके लगाए हुए हैं। तो मामूली सा ऑपरेशन है, इसको हम माइनर थिएटर में ही लेके जाके करते हैं। दूसरी गलत फैमिली लोगों में रहती है कि मैं ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। ये बहुत ही बड़ी गलत फैमिली है, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया ये बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा ऑपरेशन है। इसमें आपको तुरंत ही 4 से 6 घंटे में उठा के बिठा देते हैं, बैठ सकते हो आप 4 से 6 घंटे में, आपको 4 से 6 घंटे में पानी देना स्टार्ट हो जाता है और शाम तक तो आप चलने फिरने भी लग जाते हो। तो घर पे जाके काम करने की बात तो दूर ही है, क्योंकि आप उसी दिन आप चल सकते हो, तो छोटा मोटा काम तो घर पे कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है तो भी आप तीसरे दिन से, जब आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है, छोटे मोटे घर के काम आप कर सकते हो। तीसरा डाउट लोगों को रहता है, जो ऑपरेशन के समय पे कमर पे जो सुई देते हैं उससे हमको हमेशा कमर में दर्द रहता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कमर पे सुई जो देते हैं उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। कोई अगर हमको बिना किसी पेन के ऑपरेशन करना है तो ये बिल्कुल सेफ रीजनल एनेस्थीसिया है, उसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। और इससे बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं होता है, एक छोटी सी चिमटी जैसे लगाते हैं वैसे ही वो सुई जाती है रीढ़ के हड्डी के अंदर, पर वो बाहरी ऊपरी स्पेस में रहती है, टोटली रीढ़ की हड्डी के अंदर नहीं जाती है। पर ये बिल्कुल गलत फैमिली है कि उसकी वजह से आपको कमर में दर्द होता है, क्योंकि मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स को कमर में दर्द रहता है, और इसका एक्चुअल मेन कारण है कैल्शियम की कमी की वजह से। जी हाँ, आपको प्रेगनेंसी की वजह से आपके बॉडी में जो कैल्शियम की कमी रहती है उसकी वजह से एवरी लेडी को जो भी प्रेगनेंसी से गो थ्रू हो रही है, जो भी प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी पास हो चुके हैं, उनको कमर में दर्द यूजुअली रहता है, चाहे उनकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी हुई है चाहे उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है। तो कमर में दर्द और सिजेरियन का कोई लेना देना नहीं है। चौथा, हमेशा आपको ये टेंशन रहता है कि अगर मेरा पहला सिजेरियन हुआ है तो मेरा दूसरा भी सिजेरियन ही होगा। तो ये डाउट मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये आपका पहला सिजेरियन किस वजह से हुआ है,
इसका कारण क्या है, इसके बेसिस पे हम दूसरी डिलीवरी कैसे होगी ये डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पहला सिजेरियन अगर डिस्ट्रेस की वजह से हुआ है, बच्चे को कुछ अंदर प्रॉब्लम है इस वजह से हुआ है, बच्चा उल्टा है या गले में नाड़ फंसी है, बच्चे ने पेट में संडास कर लिया है, ये रीजंस है आपके पहले सिजेरियन के, तो आप दूसरे डिलीवरी के समय पे नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पहला सिजेरियन हुआ है, आपका पहले दो सिजेरियन हुआ है, या बच्चेदारी में कोई प्रॉब्लम की वजह से आपका सिजेरियन किया गया है, क्योंकि अगर किसी का कोई पहले कोई बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी मायोमेक्टमी का ऑपरेशन होता है तो सिजेरियन किया गया है, तो आपका दूसरा ही सीजर होता है। पर वो भी बच्चे की कंडीशन को 9th मंथ में सोनोग्राफी में बच्चे की पोजीशन, बच्चे के आजू बाजू पानी देखने के बाद ही हम तय कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में जा सकते हैं या नहीं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले सीजेरियन हुआ है तो दूसरा भी सीजेरियन ही होगा। पांचवा डाउट काफ़ी लेडीज़ को ये होता है कि अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो मैं तो हील ही नहीं पाऊँगी, मैं मेरे बच्चे को दूध कैसे पिला पाऊँगी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया, 4 से 6 घंटे में पेशेंट उठ के बैठ जाता है। और यही नहीं, आजकल हम लोग ऑपरेशन थिएटर में ही जैसे ही बेबी बाहर आता है हम बेबी को मदर के चेस्ट से लगाते हैं, इसको हम ब्रेस्ट क्रॉल बोलते हैं, बेबी को तुरंत ही लेके बच्चे की माँ की छाती से लगाते हैं ताकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो तुरंत इनिशिएट हो जाए, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो तुरंत आने लग जाए माँ को। तो ये बहुत ही गलत फैमिली है कि आप दूध नहीं पिला पाओगे, आप खुद ही 4 से 6 घंटे में बैठ जाओगे और ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही आपके बेबी को पहला दूध मिल जाता है। छठवा बहुत इम्पॉर्टेंट, हाँ मैंने देखा है बहुत पेशेंट्स लोग बोलते हैं कि टाका लग जाएंगे तो हमेशा दर्द रहता है टाके में, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल जो हम लोग टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं वो हम लोग फेरेंटल इंसिजन लेते हैं, यानी कि एकदम बिल्कुल नीचे जहाँ पे अंडरवेयर की लाइनिंग आती है वहाँ पे इंसिजन पड़ता है, और टाके भी बाहर से कुछ भी नहीं लगते हैं, सारे टाके अंदर से ही लेते हैं, और बहुत बार तो टाके काटने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाके निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि टाके अंदर से ही लिए जाते हैं। तो ये आजकल जो सिजेरियन है बहुत ही कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है, टाके बिल्कुल नहीं दुखते हैं। जैसे मैंने बताया है पहले कि ये माइनर ऑपरेशन है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, जितना बेबी का सर होता है उतना ही इंसिजन हम लेते हैं और उतने में से ही बच्चे को बाहर निकालते हैं। सो आप ये बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि बहुत दर्द होने वाला है, बिल्कुल दर्द नहीं होता है, मतलब धीरे धीरे दर्द इनिशियली पहले 2 दिन रहता है पर वो तो निकल ही जाता है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और हालांकि नॉर्मल डिलीवरी में भी जब वजाइनल डिलीवरी होती है तो नीचे भी एपिजियोटॉमी यानी नीचे भी जो टाके लगते हैं वो भी दुखते ही है 1-2 दिन। तो ऐसे कंपेयर किया जाए तो पहले 2 दिन तो दर्द थोड़ा बनता ही है, पर उसके बाद से समझ नहीं आता है जनरली दर्द का। तो दूसरा सवाल है कि इस पे तो मुझे हंसी आ रही है कि डॉक्टर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सिजेरियन करते हैं, तो इस पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने जिस डॉक्टर के पास अपना नाम डाला है आप उस डॉक्टर पे पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ज़बरदस्ती पेशेंट को अंदर लेके जाके सिजेरियन नहीं करवाते हैं। जब भी बच्चे की जान को खतरा होता है या माँ की जान को खतरा होता है ऐसे केसेस में ही डॉक्टर सिजेरियन करते हैं। आपको जिन डॉक्टर पे भरोसा है वही डॉक्टर के पास जाना है, अगर आपको कोई डॉक्टर पे भरोसा नहीं है तो उससे आप क्यों ट्रीटमेंट करवाएंगे, है ना। तो इस पे मैं यही बताना चाहूँगी कि अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें और कोई भी डॉक्टर ज़बरदस्ती सिजेरियन नहीं करते हैं पैसे कमाने के लिए। इनफैक्ट मेरे हॉस्पिटल में तो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के चार्जेस मैंने बिल्कुल सेम रखे हुए हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है कि पैसे के लिए कोई करेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो से आपके सिजेरियन को लेके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो चुके हैं, और इसके अलावा भी आपने कोई मिथकियाँ सुनी है या कोई डाउट है जो मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।